हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 3110 स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में ये है कि हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम एस है, ठीक है, और हमें उस स्ट्रिंग का स्कोर निकालना है। तो स्कोर इन्होंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, द स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइन एज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एस्की वैल्यूज ऑफ द एडजेसेंट कैरेक्टर्स। तो हमें उसका स्कोर रिटर्न करना, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे पास जैसे ये स्ट्रिंग दे रखे है, तो यहाँ पे मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस पता करना है पहले एडजेसेंट कैरेक्टर्स का, और फिर उनको जो है मेरे को ऐड करते हुए चल जाना है और स्कोर में मेरे बेसिकली उनको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो पहले एच और ई जो मेरे एडजेसेंट कैरेक्टर्स है यहाँ पर, तो इनकी जो एस्की वैल्यूज़ होंगी उनका डिफरेंस पता करना है, देन ई और एल का डिफरेंस पता करना है, देन एल और एल का करना है, एंड लास्ट में जो है एल और ओ का करना है, और उनके जो भी डिफरेंसेस आएंगे ना उनको फाइनली मेरे को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो मेरे को एस्की वैल्यू डिफाइन कर रखे हैं कि एच का 104 होता है, ई का 101 होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 104 माइनस 101 ऐसे कर करके लास्ट में इन्होंने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 30। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वैसे तो। तो जैसे मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे को स्कोर पता करना है, तो स्कोर मैंने 0 कर दिया और एन हो जाएगा मेरा एस डॉट लेंथ। क्या आप सिंपली आप एक लूप का यूज़ कर सकते हो, तो लूप को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से और ये जाएगा मेरा एन तक और आई प्लस 1, ठीक है। 1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को एस ऑफ आई और एस ऑफ आई माइनस 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो यानी कि स्कोर में मैं ऐड करते हुए चलूँगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एस ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई प्लस माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और लास्ट में मेरे को रिटर्न कर देना अपना यही स्कोर, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो तो इसी यार कि मैं बस एक ही लूप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बता रहा था, तो वो ओ ऑफ एन हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, काफ़ी छोटी वीडियो थी बिकॉज ये क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा सा था, ईजी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।